हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का वीडियो जो है फिर से मेरा दीदी शूट करने वाली है, क्योंकि वो गई है अंडमान निकोबार आइलैंड। जैसा कि आपने लास्ट 5-6 ब्लॉग में देखा होगा, तो अभी उसका ये लास्ट ब्लॉग है उसकी अंडमान निकोबार ट्रिप वाली सीरीज का। तो ये लास्ट वीडियो है, पूरा देखो, मौज करो, और कैसा लगा कॉमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। गाइस, हम ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, और हम जा रहे हैं रोज आइसलैंड की ओर। राजीव गांधी पार्क में आए हैं। यहाँ पे भीड़ बहुत है। ये भैया ब्लू टी शर्ट वाले लेके जाने वाले हैं। तो गाइज, मतलब हमारे गाइड ने बोल दिया कि 11 बजे हम बोट में उस पार जाने वाले हैं, और वहाँ से हमें पता नहीं वो कहाँ लेके जाएगा। चलो चलते हैं फिर। मैंने ये कैट वाले सनग्लासेस ले लिए, और हम जा रहे हैं अभी बोट में। गाइस, हमने लाइफ जैकेट पहन लिया और हम जा रहे हैं। हमारी बंदना निकल रही है, हमारी बोट का नाम बंदना है। तो अभी हम इस गाड़ी से जा रहे हैं आगे। तो गाइस, ये डियर आ गया है। चलो, बारिश आना शुरू हो गई है। गाइस, हमें तो लगा था कुछ आज खुला रहेगा आसमान, लेकिन आज भी बारिश, धूप के साथ बारिश। यहाँ से मिसाइलिंग के हाईएस्ट पॉइंट तक चलने वाले हैं। इस बीच हम ब्रिटिशर्स के बनाए हुए काफी सारे आर्टिफैक्ट्स को देखेंगे, एंड लास्ट सीट में जो लोग बैठे हुए हैं, जब भी मैं आपको लेफ्ट या राइट देखने बोलूँ तो उसको उल्टे में देखिएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लेफ्ट बोलने में आपको राइट देखना हो, सो हियर वी स्टार्ट। सो यहाँ देखिए, आप लेफ्ट साइड में आपको एक रेड कलर की बिल्डिंग नजर आ रही होगी। ये वाली जो बिल्डिंग है, ये फर्जंद अली स्टोर के नाम से जानी जाती है। ब्रिटिशन के समय पे यहाँ पे जितने भी लोग रहा करते थे, व्यापारी लोग, मना की जो भी जरूरत की चीजें होती थी, वे इसी स्टोर से परचेज किया करते थे। एंड यहाँ से और जरा हम आगे चलेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में दो तीन बिल्डिंग नजर आएंगे यहाँ पे। एंड पहली वाली बिल्डिंग है प्रिंटिंग प्रेस, वहाँ पे वे अपने न्यूज पेपर एंड मैगजीन प्रिंट आउट किया करते थे। सेकेंड वाली जो बिल्डिंग है वो उनको पावर हाउस है, बाय द हेल्प ऑफ सेम इंजन वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया करते थे। एंड उसके पीछे की तरफ में उनका स्विमिंग पूल एरिया हुआ करता था। एंड लास्ट में ब्लैक वाली जो टनल देख रहे हो, वो उनका वाटर डिस्टिलेशन प्लांट है, वहाँ से वे अपने सी सॉल्ट वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट किया करते थे। एंड लेफ्ट में आपको व्हाइट वाली जो बिल्डिंग नजर आ रही है, व्हाइट कलर की, ये बिल्डिंग पहले के समय से बेकरी नहीं करती थी। प्रेजेंटली इस बिल्डिंग का लाइट के लिए यूज किया जा रहा है। वो सीढ़िया सेक्रेटेरिएट ऑफिस आने का रूट हुआ करता था।
एंड ऑफिस का लोकेशन जस्ट आगे की तरफ है, मैं आपको आगे चल करके शो करता हूँ। एंड राइट साइड में जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये क्लब हाउस हुआ करता है, सबऑर्डिनेट क्लब के नाम से जानी जाती है ये बिल्डिंग। एंड यहाँ पे ओनली नॉन कमिश्नर ऑफिसर्स एंड उनकी जो ट्रूप्स होते थे सोल्जर्स, उनके लिए ये क्लब हाउस था। एंड ये क्लब हाउस काफी स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे जितने भी लकड़ियों की चीजें एंड ग्लासेस थे वो इटाली से मंगाई गई थी। बिल्डिंग जो है पावर हाउस भी करती थी एंड सर ये प्रेजेंटली हमारे पावर हाउस है, इससे पहले ये ब्रिटिश का रोमन कैथोलिक चर्च हुआ था। एंड राइट साइड में जितनी भी आप दीवारें देख रहे हो सारी दीवारें कमिश्नर बंगलो की है। एंड यहाँ से और जो हम आगे चल, क्या है ये गार्ड रूम, क्लास रूम एंड गार्ड रूम, गार्ड रूम है ये। एंड ड्यूरिंग 1780s 1790 साइलेंट का जो लैंडमार्क है 200 एकर्स का हुआ करता था। प्रेजेंटली हमारे पास सिर्फ 72 एकर जमीने बची हुई है, मोर देन 100 एकर्स जो जमीने है कितना सोल्जर्स के लिए था, ये एंग्लिकन चर्च के नाम से जानी जाती है। उस चर्च के बाद जितने सारे आप बिल्डिंग आप देख रहे हो ये सारे के सारे बिल्डिंग वो पैरस हुए करते थे, वहाँ पर ब्रिटेन के सोल्जर्स रहा करते थे। मोर देन 165 ब्रिटेन के सोल्जर्स एट ए टाइम यहाँ पे रहा करते थे। एंड उनकी कुकिंग एरिया, खेलने के लिए उनके टेनिस कोर्ट एंड उनका बच्चों के बिल्डिंग, ये सारी चीजें इस बिल्डिंग के अंदर थी। एंड इस बिल्डिंग के लास्ट कॉर्नर पे आप गैलोस देख सकते हो, एंड गैलोस में लोगों को फांसी पे चढ़ाने के बाद उनको पत्थर से बांध करके समंदर में फेंक दिया जाता था। एंड हियर वी कम टू द हाईएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट के बाद से आपको सीढ़ियों की मदद से नीचे जानी होगी, इस आइलैंड का व्यू पॉइंट है। तो गाइज हम लोन सिल्क पॉइंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से थोड़ा रास्ता जा रहा है, चलो आगे देखते हैं क्या है। इधर से आप व्यू देख ही सकते हो, तो गाइज हम आ चुके हैं यहाँ पे, बहुत ही मस्त व्यू है पूरा। एक बार इसका भी व्यू देख लीजिए, इट्स लाइक हेवन, वाओ। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं वापस, बाल बाल सब बिखर गए हैं सब, कोई बात नहीं, चलो। ये सबसे बेस्ट बेस्ट वाला आइसलैंड था, मतलब बीच था, मुझे बहुत पसंद है। आई होप यू लाइक टू। तो गाइस आपको ये मीरा दीदी का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बता देना, बहुत ही मस्त अमेजिंग अमेजिंग व्यू बताया मीरा दीदी ने। और वो जो कार में बैठ के गए थे वहाँ पे, तो मतलब वो जो गाइड थे उनके वो थोड़ा उल्टा बता रहे थे, बोलते राइट देखो तो मैं बोलू राइट देखो तो लेफ्ट में देखने का, जब लेफ्ट बोलू तो राइट में देखने का, मतलब वैसा सीन था। और बहुत पुराना पुराना वो ब्रिटिश के जमाने का वो सारा सब कुछ था वो बताया आप लोगों को। तो ये वीडियो कैसा लगा और ये पूरी सीरीज कैसी लगी हो जरूर कमेंट में बता देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और अब से कल से तो मेरे ही वीडियो शुरू हो जाएंगे क्योंकि मीरा दीदी की ये जो सीरीज है वो ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे।